स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिटी बाजार के अपडेट से शुरू में करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बात नॉन एग्री कम्युनिटीज की। नॉन एग्री कम्युनिटीज में देख रहे हैं कि आज सोना और चांदी इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर एक लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोना देख रहे हैं कि $1758 पर और जो चांदी है वो $22 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। चांदी के अंदर देख रहे हैं कि इस वक्त आधे फीसदी की जो गिरावट है लगभग वो बनती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। दरअसल ये जो अमेरिका की तरफ से जो हफ्ते भर का जो डेटा निकल के सामने आया है वीकली जॉबलेस क्लेम्स का, उसकी वजह से देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उन पर एक दबाव बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि जो डेटा निकल के सामने आया है वो ठीक ठाक निकल के सामने आया है और अभी भी और डेटा निकल के सामने आने वाला है जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उन पर कुछ ना कुछ एक अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जानकारों द्वारा कि सोने चांदी की कीमतों पर यूएस के डेटा से कुछ अभी और दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा, इससे पहले हमने डॉलर में तेजी के चलते सोने चांदी की कीमतों में एक मंदी आते हुए देखी थी और सोने चांदी की जो कीमतें हैं अभी हाजिर में भी और फ्यूचर के में भी दोनों में ही अभी एक नरमी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की तो देख रहे हैं कि कच्चा तेल WTI इस वक्त $79 पर 1.25% की तेजी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 पर 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो एक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल कच्चे तेल का जो यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट है उसके कोई प्लान नहीं है कि जो ऑयल रिजर्व हैं अभी मूवमेंट पे उनमें टैपिंग की जाए जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ दूसरा अभी अनलॉक हो रखा है, पूरा ज़्यादातर जो देश हैं वो अनलॉक की तरफ ही हैं, सब जगह फैक्ट्रियां चल रही हैं, गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही में ओपेक ने भी बोल दिया है कि जो प्रोडक्शन है वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आगे जाके जो डिमांड है वो बढ़त डिमांड के अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से अभी जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज के दिन सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में सोना चांदी की कीमतों पे एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। खबर निकल के सामने आई कि जो यूएस का जो वीकली जॉबलेस डेटा निकल के सामने आया है वो ठीक ठाक आया है जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से त्योहारी सीजन है भारत के अंदर, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रि है, तो ऐसे में सोने चांदी की कीमतों को क्या कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ पाएगा इन डेटा के बावजूद? देखिए फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो डाटा निकल कर आया डॉलर में जो स्ट्रेंथ देखने को मिली उसकी वजह से सोने और चांदी के ऊपर दबाव बना है और अभी ये दबाव जो है कंटिन्यूशन में रह सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी डिमांड जो है इस लेवल के ऊपर अभी फिलहाल निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। विदेशी बाजारों में भी बाजार ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि एक साइडवेज मोमेंटम फिलहाल इसके अंदर देखने को मिल रही है और इसी रेंज के बीच में फिलहाल बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फेस्टिवल सीजन के चलते घरेलू मांग बढ़ सकती है लेकिन विदेशों में कोई बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर बाजारों के अंदर गिरावट जो है वो बनी रह सकती है, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मंदी भी दिखाई नहीं दे रही है, तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि सोना जो है वो 46,000 से लेकर 47,000 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है और फिलहाल वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि जो कच्चा तेल फिसलता हुआ नजर आ रहा था अब उसी कच्चे तेल के अंदर एक काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली, एक शानदार तेजी बनती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कच्चे तेल में शानदार तेजी बन रही है उसके पीछे के कारण क्या क्या है और ये तेजी कब तक जारी रह सकती है? देखिए डिमांड पिकअप हो रही है जिसकी वजह से कच्चे तेल के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और जो प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने की बात की गई है, एकदम से प्रोडक्शन की इंक्रीज करने की बात नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर
थोड़ा सा जो है वो तेजी का माहौल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तेजी अभी कॉन्टिन्यूशन में रह सकती है। जिस तरीके से कच्चे तेल के अंदर बाउंस बैक आया है और जो गिरावट थी कल के कारोबारी सत्र में हमें हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस से बाजार उठे हैं और 1.5% की तेजी आज विदेशी बाजार भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू बाजारों के अंदर भी उम्मीद की जा रही है कि अब बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम जो है वो बढ़ सकता है और जो कच्चा तेल अभी अक्टूबर वायदा की अगर हम बात करें तो वो 5950 पर चल रहा है, तो आज मुझे लगता है कि हो सकता है 6000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे, जो कि हम बहुत पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कच्चा तेल 6000 के स्तरों को छू सकता है। तो अब यहाँ से उम्मीद है कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कच्चा तेल 6000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि कल नेचुरल गैस के अंदर जो एकदम से तेजी आई थी वो भी कल नेचुरल गैस लुढ़कती हुई दिखाई दी है। नेचुरल गैस भी कल 10% के आसपास नीचे लुढ़क गई और इससे पहले हम इसको लगातार इसके रिकॉर्ड हाई पर देख रहे थे। दरअसल अमेरिका के अंदर जो हैपनिंग्स चल रही हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वे यूरोपियन यूनियन को गैस की सप्लाई बढ़ाएंगे, तो उनकी इस बात के मद्देनजर कल जबरदस्त बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिली। नेचुरल गैस की कीमतें 10% तक लुढ़क गई, तो इसका भी आगे इम्पैक्ट जो है नेचुरल गैस के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है और नेचुरल गैस की कीमतें जो है आगे और फिसलती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है वो हल्की तेजी के साथ जरूर हुई है, लेकिन विदेशी बाजारों में उम्मीद की जा रही है कि गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। कल की गिरावट आज थमती हुई जरूर दिखाई दी है, लेकिन कल जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली थी। और वहीं अगर हम बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स के अंदर भी आज उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स के अंदर भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तेजी है। कॉपर देखिए, कल हम बात भी कर रहे थे कि 700 के नीचे जब तक नहीं लुढ़केगा तब तक इसमें गिरावट नहीं, और कल से अब कॉपर के अंदर एक तेजी बनी है और आप देखिए आज भी 728 पर कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक में हमने कल टारगेट दिया था 260 का और इनफैक्ट आज 262 पर जिंक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सारे टारगेट्स जो है बेस मेटल्स के अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निकल में भी तेजी आई है, निकल भी अपने 1440 का जो हमारा टारगेट था उसको अचीव करके अब 1468 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2.5% की तेजी आज निकल में भी है। तो आज अगर देखें नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर, तो ज्यादातर कमोडिटीज के अंदर आज बाइंग का ही तेजी बनती, बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी और लगातार तेजी सभी कमोडिटीज के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से सोना और चांदी भी थोड़ा सुस्ती के माहौल में रह सकते हैं, लेकिन गिरावट भी नहीं है और तेजी भी नहीं है। तो मान के चलिए आज सोना 47,000 का लेवल हो सकता है कि एक बार पार कर दे डोमेस्टिक मार्केट में, और चांदी की बात करें तो चांदी भी 60,800 से लेकर 6100-200 की रेंज में घूमती हुई दिखाई दे सकती है। और क्रूड ऑयल 6000 के टारगेट के लिए क्रूड को बाय किया जा सकता है, कॉपर को बाय किया जा सकता है, और मुझे लगता है निकल और जिंक भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम से भी पर।